हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा में। गाइज, ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल पैकेट वाली लाई की नमकीन की, जैसे मुरमुरे की नमकीन, बिल्कुल जो पैकेट में मुरमुरे की नमकीन आती है उसी की जैसे टेस्टी और यम्मी नमकीन जो कि हमने बनाना बताया है इस रेसिपी में। तो प्लीज इस दीपावली इस रेसिपी को। हेलो एवरीवन, हम छाया मिश्रा आप सबका स्वागत करते हैं अपने चैनल छाया मिश्रा में। तो चलिए देखते हैं आज की हमारी रेसिपी कि आज हम आप लोगों के लिए क्या लाए हैं। तो चलते हैं किचन, बनाइए और दो मिनट में बनकर ये रेसिपी रेडी हो जाती है हमारी। तो फटाफट बनाइए और खाइए और उसके बाद में अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करिए। अगर एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा में। गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं, ये देखिए लाई की बनाने जा रहे हैं नमकीन, बहुत टेस्टी बहुत यम्मी। इसको भी बनाकर आप रख लीजिए और लगभग एक महीने तक आप एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने अपने हिसाब से ले ली है लाई, जितनी भी लेनी है ठीक है उस हिसाब से ले ले। तो चलिए बनाते हैं। बिल्कुल ये समझ लीजिए, सिर्फ हम तीन स्पून ऑयल में हम बनाकर तैयार करेंगे ये नमकीन। ठीक है, मीठी यानी मिठाई की रेसिपी हम कई दे चुके हैं आपको, हमारी पूरी प्लेलिस्ट है तो वो देख लीजिएगा। तो आज चलिए कुछ नमकीन ट्राई करते हैं, बनाते हैं। ये देख सकते हैं गाइस, हमने एक स्पून ऑयल ले रखा है। हमने आपसे कहा ना तीन स्पून ऑयल में बनाएंगे, तो ये एक स्पून हो गया। तो इसमें हम पहले लाई को भून लेंगे अच्छे से, तो उसको भूने देते हैं। ये देखिए गाइस, ऑयल हो चुका है, फ्लेम हमने कर दी है बिल्कुल धीमी। तो अब हम इसमें लाई को अपना डालेंगे और भून लेंगे। हमारी कढ़ाई छोटी थी इस वजह से हमने थोड़ी सी मतलब ली है लाई, तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। फिर उसको हम धीमी फ्लेम पर भूनेंगे, क्योंकि तेज फ्लेम पर आप अगर भूनेंगे तो लाई बहुत जल्दी चिपक जाती है तली में, तो वो हमारी जल जाएगी, इसलिए हमें करना है इसे। ये देख सकते हैं गाइस, 4 से 5 मिनट हो चुका है। तो आप देखिए भून चुकी है हमारी, तो इसको हम फ्लेम बंद कर देंगे। और देखिए इंडिकेशन आप को बता दें हम, तो आप एक ऐसे मुरमुरा लेंगे तो इसको ऐसे फोड़ेंगे तो ये एकदम देखिए पिस जा रहा है, एकदम महीन हो जा रहा है। तो बस यही इंडिकेशन है कि हमारा मुरमुरा अच्छे से भून चुका है। तो इसको हम अलग थाली में निकाल देंगे। ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं ये भी देखिए, ये देख सकते हैं गाइस, ये हमारा अलग थाली में निकल गया है। ठीक है, अब इसको ठंडा होने देंगे। ऐसे 2 स्पून ऑयल और डाल दिया है, और ये देखिए हमारी मूंगफली, इसमें हम डालकर इसे भूनेंगे और फिर हम देखते हैं कि आगे हमें क्या करना है। एक बात और गाइस, मूंगफली हमें भूननी है मगर फ्लेम लो रखना है, बहुत लो नहीं तो बहुत हाई भी नहीं, वरना ऊपर से जल जाएंगी। ठीक है, इनको लो फ्लेम पर ही समझ लीजिए कि हमें क्रिस्पी करने तक भून लेना है, फिर और मसाले डालेंगे। ये देख सकते हैं चट चट की आवाज आ रही है, आपको देख सकते हैं, ये देखिए, तो इसका इंडिकेशन है कि हमारी मूंगफली भूनने लगी है। तो बस ऐसे ही भूनेंगे। ये देखिए गाइस, हमारे दाने भून चुके हैं, इनका कलर आप देख सकते हैं कैसा हो गया। ठीक है, तो इसको हम फ्लेम को करेंगे लो। अब इसमें हम अपने और मसाले जो हमें डालने हैं वो हम ऐड करेंगे। ये देखिए गाइस, हींग 2 पिंच, हल्दी पाउडर 1/2 टेबल स्पून, मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से। अब हम कुछ नहीं इसमें ऐड करेंगे, बस इसको हम इन्हीं दानों के साथ इस मसाले को भी भून लेंगे। फ्लेम हमारी लो है क्योंकि मसालों में ऑयल नहीं, मसालों में पानी नहीं है, तो ये हमारे जल जाएंगे, इस वजह से फ्लेम को हम लो ही रखेंगे। ठीक है, और चलिए अब देखते हैं हमें क्या करना है। अब ये लिया हमने अपना मुरमुरा, इसी में हम ऐड करेंगे। अभी जाइएगा नहीं, रुकिए, अभी बिल्कुल मत जाइएगा, अभी देखिएगा हम इसमें और भी कुछ चीजें ऐड करेंगे। ठीक है, फ्लेम को हम बिल्कुल धीमा ही रखेंगे अब। तो चलिए देखते हैं, अब इसमें हम ऐड करेंगे अपना नमक। ठीक है, तो ये वही हमारा नमक है जिसकी हमने रेसिपी आपको लोगों को दी थी। अगर आपके पास ना हो ये नमक तो आप सादा नमक भी डाल सकते हैं, और मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं क्योंकि ये हमारा इसमें मिर्च पिसी हुई है हमारी। ठीक है, तो हमने इसमें मिर्च की क्वांटिटी कम रखी है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। लेकिन रुकिए, अभी जाइए नहीं, क्योंकि अभी हम और भी कुछ इसमें ऐड करेंगे जो कि एकदम नमकीन का टेस्ट है, वो बिल्कुल अलग कर देगा। ठीक है, तो बिल्कुल मत जाइएगा, पहले हम मिक्स करते हैं, मिक्स मिक्स मिक्स। चलिए अब दूसरा इंग्रेडिएंट डालते हैं। ये देखिए गाइस, हम ऐड करेंगे 1 स्पून चाट मसाला।
आपके पास अगर चाट मसाला ना हो तो आप अमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो बस अब कुछ नहीं करना है, अपनी फ्लेम को करना है बंद और अच्छे से इसको मिक्स करना है। ठीक है, इसी तरह से पैकेट में मिलती है ना। ये देखिए गाइस, हमारी जो हमने पापड़ी बनाई थी उसी को हमने थोड़ा सा भून लिया था फिर से ऑयल में डालकर, और अपनी इस नमकीन में हम मिला देंगे। ठीक है, पापड़ी वाली रेसिपी भी हम आपको दे देंगे इसमें कि उसी तरह से पापड़ी बनाइए और अपने मिक्स में मिला लीजिए। तो ये देखिए बन गई ना हमारी टेस्टी नमकीन। देखिए छोटे छोटे जो 5 रुपए के पैकेट्स आते हैं नमकीन के, जैसे कि मोरानो वगैरह है, तो उसमें इसी तरह की नमकीन होती है। तो आप देख सकते हैं इसका टेस्ट, कलर, और बहुत टेस्टी है। हमारे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है खाने के लिए। तो आप लोग भी बनाइए और ट्राई करिए। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए गाइस, इसमें आप करी पत्ता, करी लीफ भी डाल सकते हैं, बट हमने इसलिए नहीं डाला क्योंकि गाइस सबके घर में करी लीफ अवेलेबल नहीं होता है। अगर है आपके घर में तो जिस टाइम हमने मसाला डाला था उसी टाइम आप करी लीफ डाल सकते हैं आराम से। तो इतनी टेस्टी नमकीन। तो आज की हमारी ये रेसिपी, इस दीपावली जरूर बनाएं और घर में सबको सर्व करें। देखिए ये सस्ती की सस्ती पड़ती है, ठीक है, और महंगी नमकीनों से कई गुना लागुना अच्छी होती है, और जो लोग ऑयल वगैरह कम खाते हैं उनके लिए बहुत अच्छी है। तो आज की हमारी ये रेसिपी अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी के साथ।